नमस्कार, आप देख रहे हैं गोल्डन बीस चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि आज सोने और चांदी का क्या भाव चल रहा है, और इसी के साथ में आज की तीन बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही है। तो फटाफट से तीनों खबरों को हम जान लेते हैं। तो आज की पहली खबर है, सरकार की निगरानी में होगा मास्क का उत्पादन, 6 से 8 रुपए होगी कीमतें। जी हाँ मित्रों, वर्तमान के समय में दुनिया भर में और इसी के साथ में भारत में संक्रमण की जो स्थिति बनी हुई है उसके बारे में तो आप जानते ही होंगे, और इसकी वजह से मास्क की कीमत कई गुना बढ़ चुकी है। यहाँ तक कि मास्क बनाने वाली कंपनियां और दुकानदार भी अपनी मर्जी से मास्क की कीमतें बढ़ा रहे। लेकिन अब सरकार ने फैसला किया है कि सरकार अपनी निगरानी में मास्क का उत्पादन करवाएगी और मास्क की अधिकतम कीमतें सरकार निश्चित करेगी। बता दें कि लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सरकार N95 मास्क को 40 से 50 रुपए में खरीदेगी, जबकि 3 प्लाई वाले मास्क को 6 से 8 रुपए के बीच में खरीदा जाएगा। आने वाले समय में सरकार 2.5 करोड़ यानी कि 2 करोड़ 50 लाख जितने मास्क खरीदने वाली है। अगली खबर है, दिल्ली में मौसम एक बार फिर से ले सकता है करवट, झमाझम बारिश का अनुमान। जी हां मित्रों, दिल्ली में मौसम एक बार फिर से करवट ले सकता है। भारतीय मौसम विभाग विज्ञान की ओर से यह पूर्वानुमान जताया गया है। तो ऐसे में एक बार फिर से दिल्ली में कई जगह पर हल्की बूंदाबांदी के साथ ही ओले गिर सकते हैं। चलिए तो तीसरी बड़ी खबर है, यस बैंक के ग्राहकों के लिए बड़ी खुशखबरी है, निकासी पर लगी पाबंदी हटी, पहले की तरह मिलेगी बैंकिंग सुविधाएं। जी हां मित्रों, यस बैंक के ग्राहकों के लिए बड़ी खबर यह है कि RBI के द्वारा यस बैंक के ऊपर लगाई गई सभी पाबंदियों को हटा दिया गया है। अब यस बैंक के ग्राहक पहले की तरह ही बैंक की सारी सुविधा का फायदा उठा पाएंगे। अगली बड़ी खबर है, बिना एग्जाम के ही पास हो गए लाखों स्टूडेंट, उत्तर प्रदेश सरकार का बड़ा फैसला। जी हाँ दोस्तों, देश में फैले संक्रमण के चलते कई राज्यों में सरकार ने स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल को बंद करवा दिया है। यहाँ तक कि कई जगह पर परीक्षाओं को भी रद्द कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने स्कूलों में सभी परीक्षाओं को रद्द कर दिया है और कक्षा 1 से कक्षा 8 तक के सभी विद्यार्थियों को बिना परीक्षा दिए ही पास कर दिया गया है। बात करें सोने चांदी के भाव की, तो सोने में खरीदारी करने का मौका है या नहीं, जानिए आज के सोने चांदी के ताजा भाव। जी हाँ मित्रों, बुलियन मार्केट के जानकारों का कहना है कि सोने का भाव और भी कम हो सकता है। मार्केट का जानकारों का कहना है कि सोने का भाव 36,000 रुपए प्रति 10 ग्राम तक जा सकता है। बात करें 22 कैरेट के अनुसार सोने के भाव की, तो प्रति 10 ग्राम के अनुसार सोने का भाव 39,560 रुपए चल रहा है, जबकि 24 कैरेट का दाम 40,760 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच चुका है। वही मित्रों, चांदी की कीमत 468 रुपए की गिरावट के बाद 35,948 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच चुकी है। हालांकि जानकारों का यह कहना है कि सोने के दाम में और भी गिरावट देखने को मिलेगी, तो अगर आप सोने चांदी के गहने खरीदने के बारे में सोच रहे तो थोड़ा और रुक सकते हैं। तो मित्रों, यदि आप भी चाहते हैं कि सोने चांदी का भाव और भी कम होना चाहिए, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और बाकी देश दुनिया की खबरों को जानने के लिए नीचे दिया गया सब्सक्राइब का बटन जरूर दबा दीजिएगा। आज का जीके का प्रश्न है कि ऑनलाइन डॉक्यूमेंट सेव करने के लिए बनाई जाने वाली PDF फाइल में PDF का फुल फॉर्म क्या होता है, इसका जवाब नीचे कमेंट करके बताइएगा। इसका राइट जवाब देने वाले विजेताओं को रैंडमली सिलेक्ट करके उनके नाम यहाँ पर प्रकाशित किए जाएंगे।